الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जा जिंदगी मदीना से जोके हवा के लत जा जिंदगी मदीना से जोके हवा के लत शाहिद की हजूर कफा है बना के लत जा जिंदगी मदीना से जोके हवा के लत शाहिद की हजूर कफा है बना के लत कुछ हम भी अपना चेहरे बातें सवाल लें अबू बकर से आई में इश्क वफा के लत दुनिया मुसलमान पे बहुत ही तंग हो गई फरू के आजम के दौर के दो नक्शे उठा के ला जिनसे गुना ने हमें मारूम कर दिया उस्मान के रोजारी शर्म हया के ला मगर की गलियों में मारा मारा या फिर कह बताए इल्म दरवाजे इल्म से खैर जाके ला नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देखे नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देखे खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है मेरे नहायत वाजिब इहतराम बुजुर्गों मसलक आलो सुन्नत और जमात से ताल्लुक रखने वाले मौजूद नौजवान दोस्तों और भाइयों हमारे आज के जलसे का उनवान है सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत कॉन्फ्रेंस हमारे आज के जलसे के उनवान के दो हिस्से हैं नंबर एक सीरत मुस्तफा नंबर दो अजमत अहले बैत जैसे कि इमामिया ने मुझे ये बात फरमाई कि सीरत की गुफ्तगू तुम्हें करनी है और अहले बैत के उनवान पर गुफ्तगू उस्ताद हदीस उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद दामत बरकात फरमाई अपने उनवान पर हजरत दामत बरकात गुफ्तगू फरमा चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनवान पर मुख्तलिफ बहसें मेरे ज़हन में हैं और मुख्तलिफ उनवानात पर मेरा इरादा ये था कि मैं मुफस्सल आपकी खिदमत में गुफ्तगू करता सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या लोग हैं ये जो अमूमन खुतबा इशारा फरमाते हैं लेकिन मैं सीरत के उनवान के उन पहलुओं का तस्करा जरूरी समझता हूँ कि जिसका ताल्लुक बरह रास्त अकीदे और नजरिए के साथ अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं इस अंदाज में बयान कर जाऊँ कि जिसमें अकायद और नजरिया पर गुफ्तगू न हो मैं समझता हूँ सीरत बयान करने और सुनने पर अजर व सवाब तो मिलेगा लेकिन अजर व सवाब के साथ साथ हकायक और नजरियात की सदा अजहद जरूरी है इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया में अमूमन और पाकिस्तान में खसूसन नजरियात आलो सुन्नत व जमात पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और अक्सर हमले उनकी तरफ से हैं जो हमारे नहीं और वो कहते हैं हम तुम्हारे नहीं और बास हमले उनकी तरफ से हैं कि जो हमारे नहीं मगर वो धोखा देने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे
हमारा सिर्फ वो शख्स है कि जिससे हमारा अकीदा और नजरिया मिलता है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि जिस दावत में इखलास भी हो और इस दावत में खुलूस भी है और उसके साथ साथ उस दावत में वहदत और तौहीद भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जरूर कामयाबी से अमकिनार फरमाते हैं। कब्र में भी हम और बातिन में अलग होना है, माशर में भी हमने और बातिन में अलग होना है, उसके बाद भी बातिन और हमने अलग होना है। तो क्यों ना आज ही हम बातिन से बेदारी का ऐलान कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा उस्ताद फरमा रहे थे, उनकी बहुत सारी खसूसियात में से बड़ी खूबी ये है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बातिन अगरचे बाप था उससे बरात का ऐलान किया है। हमारे अमूमन कभी बाज हजरात कहते हैं कि मौलाना अकीदा बयान करते हुए इस बात का ख्याल करें कि फलां बुजुर्ग आदमी हैं उनके ऊपर ज़्यादा है। मैंने अगर कुरान करीम को देखें, आप हजरात क्या बुजुर्ग का मानना यह है कि उम्र बड़ी हो, मेरे ख्याल में शैतान से ज्यादा किसी की उम्र नहीं है। अगर आपके यहाँ बुजुर्ग से मुराद यह है कि इबादत बहुत करता हो, आसमान के चप्पे चप्पे पे इबादत शैतान ने की है। अगर हमारे यहाँ बुजुर्ग होने का मानना यह है कि आगे बहुत बड़ा हो, तो शैतान ऐसा आलिम था कि मुनाजरा बुराए आज खुदा से कर रहा था। आप किससे मुनाजरा करोगे? और शैतान ने खुदा को चैलेंज किया, खुदा को छोटी बात नहीं है। आज मुझे जब लोग कहते हैं कि मौलाना घुमन साहब फलाने ने चैलेंज किया फलाने किया, मैंने कहा चैलेंज करते रहेंगे इंशाल्लाह सामने नहीं आने। इंशाल्लाह मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूँ यहाँ भी मौजूद होंगे, मैं गुफ्तगू करके चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद बात करेंगे, जब तक मैं रहूंगा हरगिज बात नहीं करेंगे। मुझे अल्लाह की जात पर बड़ा कामिल भरोसा है। इंशाल्लाह मैं गुजारिश कर रहा हूँ, शैतान इतना बड़ा आलिम था, बराह रास्त को चैलेंज अल्लाह की जात पर कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान से पूछा कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि सजदा कर हजरत आदम को, तूने सजदा क्यों नहीं किया? मैं मानना था तस्जदा देमा खलक भी अलैया अस्तकबरत अमूल का मैं लहानी, तो शैतान ने कहा था अना खैरुन मिन्हु खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, अल्लाह ने मुझे आग से बनाया है, आग नीचे तलाब तक भी ऊपर जाती है, आदम को मट्टी से बनाया है, मट्टी ऊपर फेंको तब भी नीचे आती है, भला बुलंदी वाला पस्ती वाले को सजदा करता है। अल्लाह फरमाए तबाह हो जा, निकल जा यहाँ से, मुझसे बात दलील मांगता है, मैं अल्लाह दलाइल का मुताज नहीं, मेरे तो हुक्म चलते। तो शैतान चैलेंज कर रहा था, लेकिन कुरान उठा के देख लो, कुरान कहता फैदा करा तो कुरान फस्ताइल बिल्ला जी मैंने शैतान वजी, अगर कुरान को पढ़ना है तो शैतान को मर्दूद कहना है, उम्र ज्यादा है मर्दूद तब भी कहना है, इलम मौजूद है मर्दूद तब भी कहना है, इबादत में सच्चे मौजूद है मर्दूद तब भी कहना है। उसकी वजह ये थी कि शैतान का हमारा नजरिया अकीदा नहीं मिलता। आज दुनिया में अकीदे की जग है, और मैं बड़ी अलहमदिल्ला ताला तहदीस के नेमत के तौर पे कहता हूँ, अल्लाह ने देवबंद को ये इजाज़ बख्शा है कि दुनिया में जब भी बातिल की तारीख चली है, देवबंद ने खोल के बातिल का ताकुब भी दिया है, अपने दलाइल को खुलकर बयान भी किया है। मैं भी आप हजरात की खिदमत में अपने नजरियात के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जलसे के उनवान का हिस्सा जो मुझे मिला है उसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा से मुराद खातमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी काम क्या है? मेरे नबी का बुनियादी काम वो है जो उस कलमे से पता चलता है जो कलमा खुदा ने हमें दिया है। फरमाया तुम्हारा कलमा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जहाँ तुमने मेरी तौहीद का ऐलान करना है,
वहां मेरे पैगंबर की रिसालत का ऐलान भी करना है। मेरे नबी का बुनियादी काम यह है, वो खालिक से इल्म व अमल ले लेते हैं, मखलूक को इल्म व अमल दे देते हैं। इबादत हमने खुदा की करनी है, लेकिन इताअत हम पैगंबर की करते हैं। उसकी वजह यह है, अगर ये इबादत खुदा की करनी है, इबादत का माना है अहकाम खुदाबंदी को बजा लाना। बंदा किसी के हुक्म में अमल तब करता है तो उसको देखे या उसको सुने। हम खुदा को देख भी नहीं सकते, खुदा को सुन भी नहीं सकते, फिर अल्लाह के हुक्म में अमल कैसे करेंगे? अल्लाह ने अपने और हमारे दरमियान उस जाते पैगंबर को दिया है, देवबंद का अकीदा है कि जिस पैगंबर ने खुदा की जात को देखा है और खुदा की बात को सुना है। हमारा नजरिया है खुदा की जात को देखा है और खुदा की बात को सुना है। और अल्लाह ने ऐलान ये फरमाया, बमायत में वो आने हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा। जब ये पैगंबर बोलता है, अगर ये जबान किसकी होती है, लेकिन बात को मेरी करता है। मैं यूं तेरे रसूल फकत अता अल्लाह, जो बात मेरे पैगंबर की मानेगा वो बात मेरी मानेगा। अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के हमारे दरमियान वास्ता है। मैं यूं कहूंगा कि नबी खुदा के हमारे दरमियान वास्ता है। अल्लाह का पैगाम नबी हम तक पहुंचाते हैं, और दुनिया में पैगाम की दो सूरतें चला करती हैं। मैं इस अंदाज में गुफ्तगू आपकी खिदमत में करूंगा कि रिसालत का माना भी समझ आए, और बहुत से नजरियात आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आ जाए। पैगंबर का काम क्या था? खुदा से पैगाम को लेके उम्मत को देना है। और दुनिया में पैगाम दो तरह से चलता है। पैगाम का एक तरह यह है कि आप हजरात ने जलसा रखा, आपने इश्तेहार छपवा दिया, उसमें उनवान भी दे दिया, आने वाले खतीब का नाम भी दे दिया, खतीब के अलकाब भी दे दिए। और एक हमारे यहाँ जलसा यूं चलता है, बगैर इश्तेहार के प्रोग्राम रखा, मस्जिद की इंतजामिया में उलमा का इजलास बुला के कहा फला मस्जिद में जलसा है, अपनी अपनी मस्जिद में ऐलान रख दो। उलमा ने ऐलान फरमाए हैं, लेकिन कोई बंदा अपनी जबान में ऐलान और लफ्जों में करता है, कोई बंदा और लफ्जों में करता है, कोई बंदा कहते हैं इबादत नमाज निशा फला जगह पे दरसे कुरान होगा, कोई कहता है दरसे हदीस होगा, कोई कहता है ईमान और यकीन की बात होगी, कोई कहता है जी फला मौजू पर गुफ्तगू होगी। हर बंदे के अल्फाज अपने हैं, लेकिन मुराद सबकी यही है कि फला जगह पे बयान होगा। अगर इश्तेहार छपवा के जलसे का पैगाम दिया, उसमें अल्फाज भी आपके हैं और मुराद भी आपकी है, बगैर इश्तेहार छपवाए जलसा रखा, उसमें अल्फाज ऐलान करने वाले के हैं और मुराद आपकी है। तो दुनिया में पैगाम दो तरह से चलता है, कभी पैगाम देने वाले को अल्फाज भी देते हैं और कभी पैगाम देने वाले को मुराद देते हैं। अल्फाज पैगाम ले जाने वाला अपने पेश करता है। अगर यू न समझ आए, मैं एक मिसाल और देता हूं आसानी से बात समझाने के लिए, कि दुनिया में निकाह की तकलीफात होती है और निकाह के मौके पे दोस्त अहबाब को जमा करते हैं, कभी शादी कार्ड छपवा के जमा करते हैं, कभी बगैर शादी कार्ड छपवाए जमा करते हैं। अगर शादी कार्ड छपवा के जमा किया, उसमें अल्फाज भी आपके हैं, मुराद भी आपकी है। और अगर बगैर शादी कार्ड के बदरिया नाई मिसाल के तौर पे आपने बुलाया, उसमें अल्फाज पैगाम ले जाने वाले में हैं और मुराद आपकी है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह अपने पैगंबर के जरिए उम्मत को पैगाम देते हैं, कभी मुराद भी खुदा की होती है, अल्फाज भी खुदा के होते हैं, और कभी मुराद खुदा की होती है, अल्फाज मुस्तफा के होते हैं। अगर मुराद खुदा की हो, अल्फाज भी खुदा के हो, इस पैगाम का नाम कुरान है। अगर मुराद खुदा की हो, अल्फाज मुस्तफा के हो, इस पैगाम का नाम हदीस है। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। ये मेरी इत्तला है, मैं अगर याद सुन करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज किया है
अगर मुराद खुदा की हो, अल्फाज भी खुदा के हो, पैगाम का नाम बोलिए, पैगाम का नाम अगर मुराद खुदा की हो, अल्फाज मुस्तफा के हो, पैगाम का नाम हम कुरान भी मानते हैं, हदीस बोलिए, कुरान भी मानते हैं, हदीस कुरान का मानना भी ईमान है, हदीस का मानना भी, कुरान न माने तब भी बेईमान है, हदीस न माने तब भी, आप बोलते हैं कुरान न माने तब भी बेईमान है, हदीस न माने तब भी, बोलिए ना, देखिए मेरा कसूर नहीं है, बिला तकलीफ मुझे 12 बजे लाए हैं, मेरा कसूर तो नहीं, मैंने तो मगरिब की नमाज आपके अफसाबाद में आकर पढ़ी, मैं बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुल्क और दुनिया मुल्क में एक मेरा मेजबान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि ये बंदा वक्त पे नहीं आता, कोई मेजबान मुझे तलाश करने से मिलेगा, मेरा हर जलसे पर गिला होता है कि मुझे वक्त पे नहीं आता, मेरे बारे में गिला कोई नहीं करेगा वक्त पे आता नहीं है, मुझे गिला होता है कि मुझे स्टेज पर वक्त पे लाते नहीं, मैं कहता हूँ जिस तरह वक्त पे मैं आता हूँ इसी तरह वक्त पे आप मुझे लाए, मुझे खुल के बोलने का मौका मिले, मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने कहा था कि मैं खुला किसी हाल में बयान करते, लेकिन वक्त मुझे खुला था, डेढ़ दो घंटे मैं वो बात करूँ, फिर आपका बात लोग चिटे लेते, मैं उन चिटों का जवाब दूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक जलसा आधी सुनाई कर देंगे इंशाल्लाह, और मेरे जब से एक बात जलसी होनी है उसके बाद जलसा होगा पूरी सुनाई कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन तरतीब बदल गई है, मेरा कसूर तो नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ बात समझाने के लिए, मैं महसूस करता हूँ कि आपको नींद आ रही है, जिस तरह मैं महसूस करता हूँ आपको नींद आ रही है, थोड़ी देर पहले आप महसूस कर रहे थे कि मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं आपकी कमजोरी का भी एहसास करता हूँ, अपनी कमजोरी का भी एहसास है, क्या करता हूँ जो समझे, अगर मुरादे खुदा हो, अल्फाजे खुदा हो, पैगाम का नाम बोलते हैं, पैगाम का नाम, अगर मुरादे खुदा हो, अल्फाजे मुस्तफा हो, पैगाम का नाम, कुरान का मानना भी ईमान है, हदीस का मानना भी, अगर कुरान न माने कुरान न माने हदीस न माने, मैं आज के जैसे वो बात करूंगा कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकेगा वो ये नहीं देगा कि फिरका वालियत है, मैं कहता हूँ कुरान भी मानो, हदीस भी मानो, ये इत्तेफाक की बात है, इख्तलाफी बात है, मैं चार पांच मिसालें देता हूँ ताकि आप समझें कुरान क्या कहता है और आपके इलम में हो कि हदीस क्या कहती है। मिसाल नंबर एक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, मैं बड़ी बात समीर से बेहतर कह रहा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत आदम जन्नत में रहे, तवज्जो रखना कहां रहे, जन्नत में रहे, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जन्नत में रखा और ये हुक्म दिया कि आपने इस तरह के करीब नहीं जाना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले गए, लेकिन जाकर आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया, क्यों, फरमाया ये आदम हजरत आदम भूल गए थे और आदमी भूल कर कोई काम करने से गुनाह नहीं करते, बोलिए इसके गुनाह नहीं करते, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को फिर भी गुनाह ने डांट दिया है, फिर भी जन्नत से निकाल दिया है, फिर भी जमीन पर भेज दिया है, आदम और हव्वा 40 साल तक रोते रहे हैं, तो बाद लोग कहते हैं गुनाह नहीं था तो रोए क्यों थे, गुनाह नहीं था तो माफी क्यों मांगी है, मैंने कहा बात याद रखना, नबी का भूल जाना और है, उम्मती का भूल जाना और है, नबी का भूल जाना और है, उम्मती का भूल जाना और है, अगर कोई आदमी रोजा रखे और भूल कर खा ले तो रोजा बोलते हैं, अगर भूल कर रोजा रखे और भूल कर पी ले तो रोजा, लेकर नमाज पढ़े और भूल कर नमाज में बात कर ले तो नमाज, बोलिए ना नमाज, फर्क क्या है, अगर रोजे में भूल कर खाया तो रोजा नहीं टूटा, नमाज में भूल कर बात किया तो नमाज टूट गई, इसका मतलब ये कि भूल जाना अलग अलग होता है, एक भूल जाना नमाज वाले का है, एक भूल जाना रोजे वाले का है, एक भूल जाना नबी का है, एक भूल जाना उम्मती का है, उम्मती का भूल जाना और होता है और नबी का भूल जाना और होता है, तवज्जो रखना, जो बंदा रोजे में है ये आलम मुशाहदा में नहीं है, आलम रुबूबत में मुझे सुने, और जो आदमी नमाज में है वो आलम मुशाहदा में है, आलम मुशाहदा का माना तवज्जो, आदमी नमाज में खड़ा है अल्लाह से बातें कर रहा है, जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह इससे बातें कर रहा है, जब ये नमाज में बोलता है तो अल्लाह से बातें करता है,
और जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह बोलिए ना, अल्लाह इससे बात नहीं करता, नमाज में अल्लाह से बातें कर रहा है ये मुशाहदा है, और रोजे में खुदा से बातें नहीं करता ये बेबूबत है, तो नबी पर जिब्रील उतर रहा है ये मुशाहदा है, उम्मती पे नहीं उतरता बेबूबत है। आदम बेबूबत का भूल जाना और है, आदम मुशाहदा का भूल जाना और है, रोजेदार का भूल जाना ऐसे जैसे उम्मती भूला है, और नमाजी का भूल जाना ऐसे जैसे नबी भूला है। रोजेदार भूल जाए तो माफ है, नमाजी भूल जाए तो डांट पड़ती है, लेकिन गुनाह फिर भी नहीं है। भूल कर बात किया है नमाज टूट गई दोबारा पढ़े, लेकिन गुनाह फिर भी नहीं है, और रोजे में भूल कर खा लिया गुनाह भी नहीं है, रोजा भी नहीं टूटता। मैं एक बात और समझाता हूँ, नबी और उम्मती के रोजे में क्या फर्क है। उम्मती के नबी के जिम्मे एक काम, उम्मती के जिम्मे कई काम थे, नबी के जिम्मे एक काम है दावत तबलीग, अल्लाह की तरफ बुलाना ये पैगंबर के जिम्मे काम है। मैं इससे बढ़ के कहूंगा, मैं मिसाल देकर जरा बात कहता हूं, आप हजरात ने बाजार में बेटे को भेजा, 100 रुपया दिया, का बेटा इसमें 10 रुपए की अदरक लाओ, 10 रुपए का धनिया लाओ, 10 रुपए की हरी मिर्च लाओ, आप साथ अदरक लाओ, लहसुन लाओ, थोम लाओ, कितनी ने उसको दी। वो लड़का बाजार में क्या वापिस आया, आपने सामान देखा तो इसमें अदरक नहीं है, वो बच्चा कहते जी मैं भूल गया, आप बताओ उस बेटे को डांटोगे, बोलिए ना नहीं डांटेंगे। आपने बेटे को 10 रुपए दिए, कहा बेटा बाजार से अदरक लाओ, वो दुकान से वापस आया, आपने पूछा अदरक लाए, वो कहते भूल गया, अब डांटोगे या नहीं, बोलिए ना। जब उसके जिम्मे 10 काम थे, एक काम में भूल गया तो डांट नहीं पड़ती, और जिस किसी में एक काम वो भूल जाए तो डांट, अल्लाह का मैं आदम को ने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रफ के करीब में ही जाना, आदम भूल गए हैं तो डांट पड़ गई है ना, आदम भूल गए हैं तो डांट पड़ गई है। मैं कहता हूँ तवज्जो रखना, लेकिन जिस किसी में एक काम हो, नमाजी किसी में एक काम है अल्लाह से बात करना, और रोजेदार किसी में एक काम है, इससे नमाज भी पढ़नी है, इससे बाजार भी जाना है, किसी ने तिलावत भी करनी है, कारोबार भी करना है, नमाजी ने कुछ भी नहीं करना सवाई अल्लाह से बातें करने के, तो जिस किसी में एक काम का उसमें भी भूल जाए तो काम पड़ती है, जिसमें एक काम हो भूल जाए तो काम नहीं पड़ती। मैं बताइए रहा था आदम जिस नाम भूल गए हैं गुनाह नहीं है, लेकिन डांट क्यों पड़ी है, नबी का भूल जाना और है, उम्मती का भूल जाना और है। आदम जिस नाम भूले हैं, आदम जिस नाम ने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, एक दुआ वो जो कुरान में है और एक वो दुआ जो हदीस मुबारक में है। कुरान करीम में दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना वइलम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अगर आपने माफ न किया मेरा बड़ा नुकसान होगा। और एक दुआ मुस्तदरक सही है में है, उमर बिन खत्ताब के तालुक फरमाते हैं, आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, اللهم اني اسالك بمحمد اللهم اني اسالك بحق محمد ان تغفر لي, اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت آدم نے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگا ہے, اے اللہ تجھے تیرے محمد کا وسیلہ دے کر مانگا مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا اے آدم ابھی تک تو میں نے اپنے محمد کو پیدا نہیں کیا, تو نے میرے محمد کو کیسے بچانا ہے؟ کئی بار اب تک محمد عمر الاخروں کو حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدی کا, اے اللہ جب آپ نے پیدا فرمایا تھا رفع و راسی میں نے سر اٹھایا, فرائی تو اللہ قوار عرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا, فارف تنگ لم تجد کی رسمی کا الا حق الخلق الیہ کا, میں نے اسی دل پہ جان لیا پوری کائنات میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معروف کوئی نہیں ہے, اس لیے میں نے ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم, اے آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے, تو نے بالکل سچ کہا ہے, سال تنی کے حق کر غفر تو لکھ, مجھے پوری کائنات میں ان سے زیادہ محبوب بھی کوئی نہیں, ان اور حق الخلق کے لیے تو نے ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگی, اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب توجہ رکھنا, حضرت آدم کی ایک دعا جو قرآن میں ہے اور ایک دعا جو حدیث میں ہے,
قرآن حضرت آدم کی وہ دعا جو بغیر وسیلے والی ہے اور حدیث میں وہ دعا جو وسیلے والی ہے, ہم کہتے ہیں بغیر وسیلے کے دعا مانگنا بھی جائز ہے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. وسیلے والی دعا مانگنا بھی جائز ہے کیونکہ اس کا تذکرہ حدیث میں ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں, ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں. بات اتنا بڑا شروع بولتے لوگ کہتے ہیں جی نا دیکھو اگر وسیلے کے ساتھ دعا ہوتی تو قرآن میں نہ ہوتی. میں نے کہا قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایمان ہے, قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایمان ہے. اللہ کے نبی کا جی چاہے قرآن پڑھ کے مسئلہ بتا دے, اللہ کے نبی کا جی چاہے تو حدیث پڑھ کے مسئلہ بتا دے. کوئی بندہ نبی کو قبول کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ کے مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ میں لاہور ایک مطلب کھانے پر تھا تو میزبان نے ایک دوست کو لایا, انہوں نے کہا یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا لاؤ. میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ توجہ کرنا. میرے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جس قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں کیا اس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ آپ جلدی جواب نہ دیا کریں, پہلے اس کا خیال بھی پوچھ لیا کریں. آپ اگر تھوڑی جلدی جواب دیتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں. دلیل اپنے ذمے نہ لیں, دلیل اس کے ذمے لگایا کریں. میں اکثر علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ کچھ دن آپ نے مجھے اپنی خدمت کا موقع فراہم فرمائے. ہم نے ابھی 9 جولائی سے لے کے 20 جولائی تک 12 دن کا کورس مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا ماہ علماء کے لیے رکھا ہے اور عوام کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات زور سے لے کے جمعہ ہفتہ زور تک 3 دن کا کورس آپ مہینے میں جس مہینے میں آنا چاہے تشریف لائیں, بستر اپنا ساتھ لائیں, کرایہ اپنے جیب میں ڈالیں, کھانا اور پڑھانا ہمارے ذمے. ان کے لیے 3 دن کا کورس ہے. تو جو بندہ سوال کرے اپنے کھاتے میں ڈالیں, دلیل اس کے ذمے ڈالیں. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میرا تو خیال نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا ہے اس کی وجہ اگر اس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا تو قرآن میں ذکر ہوتا, جب قرآن نہیں تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا مسئلہ صاف ہو گیا. اس کا معنی جو بات قرآن میں وہ مانیں گے, جو قرآن میں وہ نہیں مانیں گے. کہتے ہیں قرآن میں ہوگی تو مانیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے. میں نے کہا اچھا آپ کے یہاں کو بندہ فوت ہو جائے تو تم سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں غسل دیتے ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے کفن دیتے ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے جنازہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے دفن کرتے ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں. میں نے کہا تو ہندو تم سے پوچھے کہ تم جو اپنے ابو جان کو غسل دیتے ہو, کیا قرآن میں لکھا ہے ابو کو غسل دینا؟ کیا قرآن میں لکھا ہے ابو کو کفن دینا؟ کیا قرآن میں لکھا ہے اس سے جنازہ پڑھنا؟ قرآن میں لکھا ہے اس کو قبر میں دفن کرنا؟ میں کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ تم اپنے ابو جان غسل کیوں دیتے ہو؟ کہتا ہے اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں تو ہے نا. میں نے کہا جس طرح حدیث میں 4 چیزیں ہیں پانچویں بھی تو ہے نا. نہیں سمجھا یہ 4 قرآن میں نہیں بھی تم نے مان لی ہے اور پانچویں کہتا ہے قرآن میں نہ ہو. اب بتاؤ میت غسل ہم نے دینا فرشتوں نے؟ بولو نا. کفن, جنازہ, دفن, عذاب, ہم سے ہی بات نہیں ہے. عذاب کس نے دینا؟ اللہ نہیں فرشتوں نے. اللہ بغیر آپ نہیں دیتے نا. کس کے ذمے ہیں؟ اور جب اللہ فرشتے سے فرمائے عذاب دے تو فرشتہ اللہ سے کہنا کہ شاید میں عذاب ہو. جو کام تیرے کرنے کے تھے اس پہ تو نے قرآن نہیں مانگا اور جو کام فرشتے کے کرنے کے اس پہ قرآن مانگتا ہے. نہیں بات سمجھ. اور بھائی جو تیرے کرنے کے کام تھے اس پہ قرآن تو نہیں مانگتا اور جو فرشتے کے کرنے کے کام اس پر قرآن مانگتا ہے. اب کہتا ہے وہ تو چپ ہو گیا. میں نے کہا میرے پاس آیات ہے میں پڑھوں گا لیکن پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ تیری دیوی اتنی کمزور ہے. حضرت سچ میں میسج چلا سے تھوڑی مر گیا میسج چلا. میری بات سنیں, میں مذاق نہیں کرتا اور ہر دھرمی نہیں کرتا, ذاتیات کے حملے بھی نہیں کرتا. میسج چلا مجھے گھر کے کہنے سنا ہے احمد سے کی قبر سے خوشبو آئی ہے. میں نے کہا میں تصدیق بھی نہیں کرتا, تائید بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے تو سنی بات کرتا ہوں. غازی عبدالرشید شہید ہوئے ان کی قبر سے خوشبو آئی. دریا کام دیا بکر احمد سے بیان کیا کہ نہ یہ جھوٹ ہے بہتان ہے, نہ یہ قبر ہے, نہ یہ جنت کا باغ ہے. خوشبو کیسے آئی ہے؟
मैं कहता हूँ मादी हो, अगर इस कब्र से खुशबू मांगोगे तुम्हारा अकीदा नहीं रहेगा, अगर अकीदा मांगोगे खुशबू नहीं रहेगी। भाई जब तुम्हारा अकीदा ये कब्र जन्नत का भाग नहीं है, खुशबू कैसे? अगर खुशबू मांगो फिर तुम्हारा अकीदा नहीं, या अकीदा मांगो या खुशबू मांगो, दोनों बातें तुम नहीं मांग सकते। हमारे हिंदू उनके भी हम जो इस कब्र को जन्नत का भाग समझते हैं, अल्लाह मैं हैदरी कब्र से खुशबू आई हम मानते, राजीव तो चीज शहीद किया ही हम मानते, मान अब्दुल्ला शहीद क्या मानते, हमें तो जरूरत नहीं है। तुम या अकीदा मांगोगे या तुम खुशबू मांगोगे, दोनों चीजें तुम नहीं मांगोगे। यहाँ सात से बुरा था, मैं बयान के लिए गया था, मेरे मेजबान ने कहा हमारा ये सात आठ साल का बच्चा से मुलाकात कर, मैंने पूछा इसकी खूबी क्या है, कहते हैं हमारे मामू मुकल्ले है, गैर मुकल्लन लड़की से निकाह हुआ, वो हमारे घर में उसने आकर मसाइल चेक के लिए हम उनकी वासी को नहीं कहते, रफ नहीं करते, ये लड़का आपकी वीडियो सीढ़ियां देखता था, आपके बयान सुनता था, इस लड़के का मामी मैं तो उससे बात करता हूँ सात आठ साल, मामी ने कहा करो बात, लड़के ने कहा इस मसले में बात करूंगी, मामी ने कहा रफ है इस लड़के का नहीं, हमारा तुम्हारा बुनियादी इख्तलाफ तकलीफ पर है, अगर इमाम की तकलीफ करेंगे तो मसले भी मानेंगे, तकलीफ नहीं करेंगे तो मसले भी नहीं मानेंगे, मैं तुमसे तकलीफ पर बात करूंगा। मामी कहते करो, उसने कहा फिर मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ तकलीफ ईमान है या शिर्क है? नहीं समझ, तकलीफ ईमान है या शिर्क? बोलिए ना, तकलीफ ईमान है या शिर्क? उस लड़के ने कहा मामी जवाब बात नहीं देना, पहले जरा मेरी मजाक सुन ले। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मेरा मामू मुकल्लद है और तुम गैर मुकल्लद हो, अगर तुम्हारा अकीदा है कि तकलीफ शिर्क है तो फिर मुशरिक के साथ निकाह नहीं होता, अगर तुम्हारा अकीदा है तकलीफ की मांग है तो फिर तुम गैर मुकल्लद नहीं रह सकती, अगर तुम तकलीफ को शिर्क होगी निकाह नहीं होगा, तकलीफ को ईमान कहोगी तुम्हारा मजहब नहीं रहेगा। नहीं समझे तो बात, अब बारह बजे के बाद ज्ञान शुरू तो कुछ ही समझ आती है, अगर तकलीफ को शिरक को होगी तो निकाह बोलिए नहीं रहे, तो ईमान को होगी तो अकीदा नहीं रहे। मैं कहता हूँ मादियों कब्र में खुशबू मानोगे तो अकीदा नहीं रहेगा, अकीदा रखोगे खुशबू नहीं रहेगी, तुम्हारी मर्जी खुशबू मांगो, तुम्हारी मर्जी अकीदा मांगो, अपने अकीदे पर बात करो। तवज्जो, मैंने कहा वसीले के बगैर वाली दुआ मांगते हैं कुरान में है, वसीले वाली मांगते हैं हदीस में है, जो बगैर वसीले वाली दुआ नहीं मांगता वो कुरान नहीं मांगता, जो वसीले वाली दुआ नहीं मांगता वो हदीस नहीं मांगता, जो बंद वाले कुरान भी मांगते हैं, जो बंद वाले हदीस भी मांगते हैं, जो बंद वाले कुरान भी मानते हैं, जो बंद वाले हदीस बोलना, जो बंद वाले हदीस भी मानते हैं। बल्कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ मैं देवबंद का अकीदा बयान करते हुए कहता हूँ, खुदा की कसम देवबंद वाले को नमाज पे एतमाद नहीं है, रोजे पर एतमाद नहीं है, अपनी तिलावत पर एतमाद नहीं है, जितना एतमाद हजरत मोहम्मद की जात पर है, मेरी तिलावत मेरे यहाँ हो सकती है, मेरे बयान मेरे यहाँ हो सकती है, मेरी नमाज मेरे यहाँ हो सकती है, वजूद पैगंबर रिया से पाक है, तो जिस रिया का शुबा है उस पर एतमाद क्या करूंगा, जो रिया से पाक है एतमाद उस पे करना, किसी आशिक पैगंबर ने कहा था, उसने नबी के रोज नबी के मकान को देखा, पैगंबर के मकान को देखकर उसने यूं कहा था, या बदी अदल से बताना जी लख सुल्तान अलल मुहरी इन नबेकर अंत साकिर हो गई मुहताजी अल सुरगी, उस रोज जमान के मालिक पैगंबर, लोग हुकूमत बदल पे करते हैं, आप हुकूमत दिलों पे करते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं इस जनाब और सूरज का मोहताज नहीं है, बस और होना जितना शुक्र हो जाएगी, कयामत के दिन खुदा पूछेगा क्या लाए हो, लोग नमाज और रोजा पेश करेंगे, मैं रूहे मोहम्मद पेश करूँ, पेश करेंगे और मैं रुके मोहम्मद और मैं रुके मोहम्मद पेश करूंगा। नमाज को मुस्तरद किया जा सकता है,
लेकिन पैगंबर के वजूद को वापस कैसे किया जा सकता है? अरे छोड़, मैं देवबंद जमीने की बात करता हूँ। जब मेरे शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल दुरूद शरीफ में लिखा है, मेरे शेख जकरिया फरमाते हैं, नमाज में रिया आ जाए मुस्तरद हो जाती है, रोजे में रिया आ जाए के मुंह पे माफ किया जाता है। वजूद पैगंबर की बात नहीं करता मैं, कहता हूँ वजूद पैगंबर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक कितना मकबूल है, अगर रिया के साथ पढ़ा जाए खुदा तब भी वापस नहीं करता, वापस नहीं करता। पैगंबर के वजूद क्या, पैगंबर के दुरूद के रास्ते बदल दिए हैं, तो जो बदवानों को किस मुंह से गुजारते पैगंबर कहता है। मैंने कहा इसलिए मैं बात कहता हूं तवज्जो, मैं गुप्ता करने लगा। मैंने कहा ये खुदू मोहम्मदी कहने वाला, अगर तुझे यकीन है तो कल पूछना, इस हजरत पैगंबर के वजूद को सीधा मांगता है। कहता है मैं नहीं मांगता। मैंने कहा तू मोहम्मदी कैसा है? इस हजरत में तू नमाजी है? कहता जी अल्लाह का शुक्र है। कहा पूछ भाई आप हाजी हैं? कहता जी अल्लाह का शुक्र है। हाजी हाजी के लवाने पे खुदा का शुक्र अदा करता है, क्योंकि वह हज के वसीले का कायल है। नमाजी नमाजी होने पे खुदा का शुक्र अदा करता है, वो समझते हैं नमाज मेरा वसीला बन सकती है। तू मोहम्मदी भी कहता है, मोहम्मद को वसीला भी नहीं मानता, तू कैसा मोहम्मदी है? मैंने कहा मैं नमाजी हूँ, नमाज का वसीला भी मानता हूँ, अरे हाजी हूँ हज का वसीला भी मानता हूँ, और इससे बढ़ के वजूद पैगंबर को वसीला मानता। मैंने यही कहा तवज्जो रखना। मैं एक बात कह रहा हूँ, कभी हमें लोग कहते हैं मैं वजूद पैगंबर पे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ पैगंबर तो बड़ी बात है, जो बंद वालों से पैगंबर के शहर मदीना की बात कर। मुझे एक बंदा कहने लगा मौलाना इमाम मुतारी बड़े आदमी है। मैंने कहा बड़े नहीं बहुत बड़े आदमी है। कहा जी इमाम मुनीफा। मैंने कहा बहुत बड़े आदमी है। कहते इमाम मुनीफा भी बड़े हैं, इमाम बुखारी भी बड़े हैं। तो फिर आप इमाम अबू हनीफा को लेते हो तकरीर इनकी करते हो, इमाम बुखारी की क्यों नहीं करते? मैंने कहा हदीस इनकी भी मानते हैं, तकरीर इमाम अबू हनीफा की करते हैं। मुझे कहते हैं वजह क्या है? मैंने कहा वजह यह है हम शागिर्द मदीना है। कहते हैं क्या मतलब? इमाम बुखारी तो शागिर्द मदीना नहीं थे। मैंने कहा वो भी थे। कहते हैं फिर इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूँ इमाम अबू हनीफा ये भी मदीना लेकर जाते हैं, इमाम बुखारी ये भी मदीना लेकर जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर लाहौर से जहाज उठता हो और मदीना मुनव्वरा जाता हो और 5 घंटे में जाता हो, दूसरा जहाज लाहौर से मदीना मुनव्वरा जाता हो 1 जहाज 1 घंटे में जाता हो, आपका बात की दोस्तों मुझे तुम बताओ तुम किस जहाज से जाना पसंद करोगे? 1 घंटे। एक जहाज लाहौर से उड़े और मदीना मुनव्वरा 5 घंटे में जाए, और एक जहाज लाहौर से उड़े और 1 घंटा में जाए, तो आज के मदीना वो 5 की बजाय 1 घंटे वाले बोलेगा। मैंने कहा इमाम बुखारी मदीना लेकर जाते हैं, हमने इमाम बुखारी से कहा हमने मदीना मुनव्वरा जाना है। इमाम बुखारी कहते हैं बाकी काल हदसना अहमद बिन अशकाब काल हदसना मोहम्मद बिन हुदैन अन उमारा बिन रिकाकाए अन अबी ज़ुरातह अन अबी हुरैरा काल काल रसूलुल्लाह दरमियान में 5 वास्ते लाया है। हमने इमाम हुनीफा से पूछा हमने मदीना जाना है, इमाम हुनीफा ने फरमाया अन अबी हनीफा अन अनस बिन मालिक قال قال رسول الله عن ابي حنيفه عن عبد الله بن قنيس قال قال رسول الله عن ابي حنيفه عن عبد الله بن حارث قال قال رسول الله عن ابي حنيفه عن انس بن مالك قال قال رسول الله عن ابي حنيفه عن باسطه بن الاسقع قال قال رسول الله عن ابي حنيفه عن عائشه بنت عامر قال قال رسول الله امام البخاري 5 घंटे ابو حنيفه 1 घंटा सुबह आप चले जाओ किस जाए किस आलम से पूछो, चले जाओ किसी ममाजी मौलवी से पूछो, दोनों में जिससे चाहो पूछ लो, कहना मौसा मेरा मसला है। तो पूछेगा क्या बेटा? तो जी मौसा मेरा मसला है कि मुझे मदीना मुनव्वरा से वीजा आ गया है, मैं वहां जाना चाहता हूँ रियाज कमाने के लिए। मौसा फरमाए हलाल माल कमाना इबादत है, बेटा मदीने में तो बड़ी बबरकत माल है, चले जाओ। फिर दूसरा बंदा जाके पूछे कि मौसा मैं जाना चाहता हूँ मदीना मुनव्वरा, लेकिन मेरा वीजा सा है
कि मैं पहले नबी के रोजे पर जाऊं फिर मक्का जाऊं, तो मैं नबी के रोजे के लिए मदीना मुनव्वरा जा सकता हूं। लेकिन ना, ये तो शिर्क है, अजीब बात है। रियाल कमाने के लिए मदीने का सफर जायज है, नबी का रोजा देखने के लिए मदीने का सफर जायज नहीं। जो बंद वाले कहेंगे रियाल की नीयत से मदीने का सफर जायज है और रोजे की नीयत से मदीने का सफर बैठ से अजर और सवाब है, तो रियाल के लिए सफर का कायल है, रोजे के लिए सफर का कायल नहीं। हम रियाल के लिए तो कायल थे, लेकिन मदीने को बाहर से जो सवाब मानते हैं। तो मैंने कहा जो बंद इसके रसूल को तुमने देखा ही नहीं है, बल्ला मजा कहता है जो बंद वाले नहीं मानते, नाना मानते हैं। अगर तुझे नजर ना आए मेरे दोस्तों, मेरी बात को तकलीफ ना समझना। आप सुबह देख ले यहाँ पर कितनी अहले जिसमें जमात बनाई है, तारीख हुरमत रसूल के नाम से। आप उसका बैनर देखना, बड़ी बड़ी फ्लैशें देखना, ऊपर पैगंबर के रोजे की फोटो तुझे नजर नहीं आएगी। नमाज तस्बीह किताब देखना, पैगंबर के रोजे की फोटो नहीं होगी, ऊपर तस्वीर मदीने की खजूर की होगी। जो बंद की किताब देखना, मक्का की फोटो भी होगी, पैगंबर के रोजे की तस्वीर भी होगी। तो फिर मान लेना जो बंद का ताल्लुक मदीने के रोजे से है और इसका ताल्लुक मदीने की खजूर से है। नहीं समझा? मदीने की खजूर का मतलब समझ गए ना? ये जाता है खजूर के लिए, दौलत के लिए, ये जाता है रोजे बांधने के लिए। मेरा ताल्लुक रोजे से है, तेरा ताल्लुक खजूर से है, तो बात रोजे खजूर की है। मैं कहता हूं इसलिए बात समझा रहा था, हम वसीले के कायल हैं। कायल हैं या नहीं? बोलना वसीले के कायल है। मैं मदीना मुनव्वरा में था, मेरा एक मरीज आया और मुझे वो कहने लगा कि मौलवी साहब मसला पूछ रहा है। मैंने कहा बताओ। कहता है नबी के वसीले से दुआ मांगना जायज है। मैंने कहा चल तू बता, कोई वसीला जायज किया है या नहीं? हमसे जो पूछा तो तू भी बता ना। आप फौरन सवाल पे जवाब न दिया करें, कोई सवाल उससे भी कर दिया करें, ताकि उसको भी कोई दलील तो सोचनी पड़े। मुझे कहते थे नमाज का वसीला जायज है। मैंने कहा फिर? कहते नबी का जायज नहीं है। मैंने कहा मुझे ये बता नमाज कहाँ से आएगी? कहते जी अर्शे को अल्लाह से आएगी। मैंने कहा नमाज खुद आई थी या कोई लाया था? कहते जी खुद को मिल आई थी, हजूर लाए थे। मैंने कहा आने वाले का वसीला दे सकता है, लाने वाले का नहीं दे सकता। नहीं समझा? भाई कुरान आया था और नबी कुरान को लाए थे, आने वाले का वसीला देता है, लाने वाले का वसीला नहीं देता। खुद पैगंबर की जात नमाज का वसीला है, नबी न होते नमाज कैसे मिलती? खुद कुरान का वसीला पैगंबर की जात है, अगर पैगंबर न होता कुरान कैसे मिलता? मैं ये बता रहा था अगर कुरान खोलेगा तो आप बगैर वसीले के मिलती है, अगर हदीस खोलेगा तो आप वसीले के साथ दुआ नहीं मिलती है। जो बंद वाले बिल्कुल वसीला दुआ के कायल है, कुरान में है, वसीला वाली दुआ के कायल है, हदीस में है। कुरान भी ईमान है, हदीस भी ईमान, कुरान भी ईमान है, हदीस भी ईमान। मिसाल नंबर दो, हजरत ईसा अलैहि सलाम नबी बनकर आए, दावत दे रहे थे, यहूदी मुखालिफ हो गए, एक वक्त आगे कत्ल करने का फैसला कर लिया। ईसा अलैहि सलाम वहां से चले और एक कमरे में जाके छुपे हैं, यहूदी पीछे कत्ल करने के लिए। ईसा अलैहि सलाम ने कमरा बंद किया, एक यहूदी अंदर गया। कुरान करीम कह रहा है कमा कत्लो मा सरबो भला के छुपे आओ। इस यहूदी की शक्ल को खुदा ने बदल दिया, ईसा अलैहि सलाम को जिंदा आसमान पे उठा लिया। यहूदी बाहर आकर कहता है अंदर ईसा अलैहि सलाम को नहीं है। बोलने का तू भी कहता है ईसा अलैहि सलाम नहीं है, उसी को पकड़ा सुन्नी पर चढ़ा दिया। कुरान कहता है ना ना और रफा खुदा, खुदा ने ईसा अलैहि सलाम को आसमान पे उठा लिया है। फिर हदीस मुबारक में मौजूद है कयामत से पहले ईसा अलैहि सलाम आसमान से उतरेंगे। तवज्जो करना, हम आसमान पे जाना ईसा अलैहि सलाम का जिंदा मानते हैं क्योंकि कुरान में है, आसमान से जिंदा आना ये भी मानते हैं क्योंकि हदीस में है, कुरान भी ईमान है, हदीस भी ईमान है। कोई आसमान से जिंदा जाना नहीं मानता जैसे ईसाई है, वो आसमान से जिंदा आना नहीं मानता जैसे जावेद गांधी है। हम जिंदा जाना भी मानते हैं, जिंदा आना भी मानते हैं, हम जिंदा जाना भी मानते हैं, जिंदा आना भी मानते हैं। मैं जब कभी मौजूदा दौर के किसी बेईमान शिकालत का नाम लेता हूँ तो बाद में को तो परेशानी आती है। मौलाना ने किसका नाम ले लिया? मैंने कहा हम एक पहरेदार कहते हैं, पहरेदार ये नहीं देखता कि दीवार को फलाम कराने वाला दाढ़ी वाला है या दाढ़ी गूंढने वाला है, वो ये नहीं देखता कि जो फलाम कर आ रहा है रात को टकेती मारने के लिए ये बगड़ी वाला या टाई वाला है। अगर मिर्जा का दियानी पगड़ी बांध के दिन पे टकेती मारेगा हम तब तस्दीक करेंगे, और अगर कदर जवेद गांधी ये टाई पहन के डकैती करेगा हम तब भी तस्दीक करेंगे। दुनिया के डाकों को किसी धंधे में बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन दीन के डाकों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
तो ईसाइयों ने जिंदा जहान मान लिया, लेकिन ईसाइयों ने क्या जिंदा के नहीं थे, जिंदा आएंगे, और ये कहते हैं कि जिंदा के नहीं, जिंदा आएंगे भी नहीं। तो हम कहते हैं हमने ईसा इस्लाम का आसमान पे जिंदा जाना माना, कुरान की वजह से आसमान से जिंदा आना माना, हदीस की वजह से। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। कुरान न माने तब भी बेईमान है, हदीस न माने तब भी बेईमान है। तवज्जो, अल्लाह के पैगंबर के घर में पैगंबर की बीवियां भी हैं, पैगंबर की खुराक भी है। हमने कुरान करीम उठा के देखा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा कुमरे से अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान की आयत उतरी है, अल्लाह फरमाते हैं हमने अहल बैत को पाक रखने का फैसला कर लिया है। पाक करने का नहीं, पाक रखने का, पाक तो पहले से थे, उनको पाक रखना है। पाक करना और होता है तो पाक रखना और, नहीं समझे, पाक करना और होता है, पाक रखना और होता है। हमने इनको पकीदा रखने का फैसला किया है। जब ये आयत उतरी है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था, उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब ये आयत उतरी है, हदीस मुबारक में है, हज़रत अली को नबी पाक ने बुलाया, हज़रत सहर को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, फजल हम भी निसाई, इनको चादर के नीचे लिया। फिर मैं अल्लाह वहां बुलाए अहले बैत, अल्लाह मेरा अली भी अहले बैत है, अल्लाह मेरी सहरा भी अहले बैत है, हसन हुसैन भी अहले बैत है, फजल अन्न मुहिस वतहिर वतहीदा, अल्लाह इनको भी पाक रखना। तवज्जो, अब एक पैगंबर की बीवियों का मामला है, एक पैगंबर की औलाद का मामला है। हम नबी की बीवी का अहले बैत कहते हैं, ये कुरान में दर्ज है। हम नबी की औलाद का अहले बैत कहते हैं, ये पैगंबर की हदीस में है। हमने नबी की बीवी अहले बैत मानी कुरान की वजह से, पैगंबर की औलाद का अहले बैत माना पैगंबर के फरमान की वजह से। हम कहते हैं नबी की बीवियों को अहले बैत मानना ईमान है, नबी की औलाद को भी अहले बैत मानना ईमान है। जो नबी की बीवी का अहले बैत ना माने, ये कुरान को नहीं मानता। जो पैगंबर की औलाद का अहले बैत ना माने, ये हदीस को नहीं मानता। कुरान ना माने तब भी बेईमान है, हदीस ना माने तब भी बेईमान है। हम नबी की बीवियों को भी अहले बैत मानते हैं कुरान की वजह से, पैगंबर की औलाद का अहले बैत मानते हैं पैगंबर के फरमान की वजह से, पैगंबर के फरमान की वजह से। चलिए, एक नंबर चार के साथ, अल्लाह के नबी की दो जिंदगियां हैं, एक नबी की दुनिया वाली जिंदगी है, एक नबी की कब्र वाली जिंदगी है। नबी की दुनिया वाली जिंदगी से नबी यहां की नमाज पढ़ते हैं, नबी की कब्र वाली जिंदगी से नबी वहां की नमाज पढ़ते हैं। हमने पैगंबर की दुनिया वाली नमाज को देखा, तो कुरान कहता है बाप और रब का हत्ता याद या कर लीजिए, पैगंबर जब तक वफात ना है आपने नमाज पढ़ते रहना है, इबादत करते रहना है। नबी की दुनिया वाली नमाज का तस्करा कुरान में है और हदीस मुबारक में है। अल अंबिया और अय्याम की कुबूर युसल्लून, अंबिया कब्रों में जिंदा उस नमाजें पढ़ते हैं। तो नबी की दुनिया वाली नमाज ये कुरान में है, जिसे मानना ईमान है। पैगंबर की कब्र वाली नमाज ये हदीस में, जिसको मानना ईमान है। नबी की दुनिया वाली नमाज न माने, ये तब भी बेईमान है। पैगंबर की कब्र वाली नमाज न माने, तब भी बेईमान है। जो बंदवाज है नबी की दुनिया वाली नमाज भी मानते हैं, कब्र वाली नमाज भी मानते हैं। मानते हैं या नहीं? बुलंदाबाद से मानते हैं या नहीं? दुनिया वाली नमाज भी मानते हैं, कब्र वाली नमाज भी मानते हैं। जो बंदा कीदा है कि अंबिया के कब्रों में जिंदा है, दो अंबिया कब्रों में जिंदा है। जो नबी को कब्र में जिंदा मानता है आगे सुन्नत वल जमात है, जो नबी को कब्र में जिंदा नहीं मानता वो अहले बिदअत है। जो इनका अकीदा है अंबिया कब्रों में जिंदा है, अपने हाथ खड़े करो। कब्र में पूछना है, हशर में सवाल होगा। मैंने कहा पहले ये सवाल होना था, सब खत्म हो गया। आज तक जो तुमने मसला छेड़ा था, कभी कहते इस मसले को आवाम में बयान न करो। मैंने कहा शुरू तुमने की जरूरत से हमें हो, तुमने बयान किया तो ठीक था, हम आवाम को समझाएं तो गलत है। हम बाबा के दोहल कहते हैं, हम भी आए इस्लाम कब्रों में जिंदा, कब्रों में जिंदा, कब्रों में जिंदा माने बाद सुन्नत वल
जमात है, और जब नबी को कब्र में जिंदा न माने आप सुन्नत व जमात में बन क्या थे बिदअत है। तो मैं समझा ये हासा नबी की दुनिया वाली नमाज कुरान में है और नबी की कब्र वाली नमाज हदीस में है। हम कुरान भी मानते हैं हदीस भी मानते हैं। नंबर पांच मिसाल सुनिए, आदमी जिहाद के अंदर गया है उसका जिस्म भी है और जिस्म के अंदर रूह भी है, ये दोनों जिहाद के अंदर गए थे। आगे तलवार लगी या गोली लगी, ये जिस्म कटा और शहीद हो गया है, जिस्म कतल हो गया है, रूह कहां गई कुछ पता नहीं है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं ला तकूलू मिन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून। ये अल्लाह के रास्ते में कतल हुआ इसको तुमने जिंदा कहना है, इसको तुमने मुर्दा नहीं कहना। अल्लाह ये फसल कतल हुआ है रूह कहां चलेगी, हदीस मुबारक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरवाहुम फी दियोब तेरे खुद ने लहा कनाती तुम अल्लाह के कुंबिल आशिक तसरों में जन्नत है जो तशा। शहीद की रूह सबज परिंदे की कोर्ट में होती है, वो परिंदा कंदील के अंदर होता है, कंदील अर्श के साथ लटका होता है, वो जन्नत में जहां चाहे सैर करती है। हमने देखा शहीद का बदन जिंदा है कि अल्लाह ने कुरान में बताया है शहीद की रूह जिंदा है, अल्लाह ने हदीस में बताई है। हमने शहीद के बदन को जिंदा माना कुरान की वजह से, शहीद की रूह को जिंदा माना हदीस की वजह से, कब्र के शहीद के बदन को जिंदा मानना की मांग है कुरान में आया है, शहीद की रूह को जिंदा मानना की मांग है क्योंकि हदीस में आया है। पर जिस्म जिंदा न माने तब भी बेईमान है और रूह जिंदा न माने तब भी बेईमान है। जो बंद वाले जिस्म को भी जिंदा मानते हैं और शहीद की रूह को भी जिंदा मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते जरा तवज्जो करके नुक्ता पर लगाओ। मुझे साथी कहने लगा उम्मे सालिह कैसे जिंदा है, उसकी कैफियत बताओ कैसे जिंदा है। मैंने कहा तवज्जो ममातियत किसे कहते हैं कि जो बात कुरान कहना मानो कहेगा नहीं मानेंगे, जिस पर कुरान कहना बैठ रहा है वो उस पर करेंगे। कुरान कहकर इस बात को मानो कहेगा इसको इस पर बहस रहा ना उस पर बहस करेंगे। कुरान करीम ने क्या फरमाया ला तकूलू मिन युक्तल फी सबीलिल्लाह, बोलिए ना शहीद के जिस्म को मुर्दा, बोलिए ना मुर्दा। और ये क्या कहते हैं मुर्दा है, कुरान कहते हैं मुर्दा है या ना कहते हैं मुर्दा है। कुरान कहते तुम्हें समझ नहीं आना कहते हैं समझाओ, कुरान कहते हैं तुम्हें समझ में ला तो तुम समझ नहीं सकते मानो तुम कैसे समझोगे भाई। आज शहीद के सरदार बिखर गए हैं, वजूद के टुकड़े हो गए हैं, कोई सरदार कहां पर कोई सरदार कहां पे, जिंदा कैसे है तुम्हें समझ में नहीं आना। कुरान ने कहा मानो कहता नहीं मानते, कुरान का समझ में नहीं आना कहता हमें समझाओ। तो जिस बात से कुरान मना करे उसके अंदर चला जाना है और जिस हुक्म दे नहीं मानना इसी का नाम कुरान दुश्मनी है। तो मैं गुजारिश कर रहा था अल्लाह मुझे आपको बात समझने की तौफीक दे। हम कुरान की मानते हैं हदीस भी, मैंने कितनी मिसालें दी पांच, बोलिए कितनी दी पांच, मैंने वक्त की वजह से मैंने समेट लिया कुरान को पांच मिसालें दी। वसीले वाली दुआ का बगैर वसीले वाली दुआ का तस्करा कुरान में, वसीले वाली दुआ का तस्करा हदीस में, बोलिए ना हदीस में। ईसा अलैहि सलाम का जिंदा आसमान पे जाना कुरान में, आसमान से जिंदा आना बोलते जाओ ना हदीस में। नबी की दुनिया वाली नमाज का तस्करा कुरान में, कब्र वाली नमाज का तस्करा हदीस में, बोलते जाओ कहां पे हदीस में। नबी की बीवियां अहले बैत हैं कहां पे कुरान में, पैगंबर की औलाद अहले बैत है कहां लिखा है हदीस में, शहीद का जिस्म जिंदा है कहां लिखा है कुरान में, शहीद की रूह जिंदा है कहां लिखा है कुरान में, हदीस में। हम कुरान भी मानते हैं हदीस भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं हदीस भी मानते हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको कुरान मानने की भी तौफीक अता फरमाए, हदीस मानने की भी तौफीक अता फरमाए। मैंने सिर्फ चंद एक मिसाल से गर्ज किया है कि जो हम गर्ज दिया है कुरान भी मानते हैं हदीस भी मानते हैं। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाह हम सब गुनाह को माफ फरमा दे, खताओं से कबूलत फरमा दे, गैर हजात को पूरा फरमा दे, मुश्किलात को दूर फरमा दे, अफीयत के साथ दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे। इतने हजार रशीद लाए हैं कि मौलाए दीन को समाज बाना कबूल फरमा दे। आपका मेरे ईमान आपका मेरे खैर फरमा क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब को शफाअत नसीब फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।